My name is Arbina from 8th class. I'm from Daragam school. Se the government boys middle school is our school's name. हमें लगभग एक साल हो गया शिफ्ट हुए लेकिन कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई कोई शौचालय नहीं है बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं वैसे भी टीवी में आप देखते होंगे कितने सारे भाषण दिए जाते हैं कि हमें यहां पर शौचालय होना चाहिए लेकिन यहां पर हमें खुले में जाकर जाना होता है लेकिन व्हाट इज दिस ये क्या है और वैसे भी हमें क्लास में भी कुछ समझ में नहीं आता है टीचर आता है पढ़ाता है बहुत मेहनत करता है लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता फिर एग्जाम्स में हमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जिस पर हमारे सिलेबस पर भी इससे असर पड़ता है हमारे पास ना प्लेग्राउंड है ना पीटी सर है जिसकी हमें बहुत सारी जरूरत है फिजिकल टीचर की यहां पर कोई हमें खिलाता नहीं खेलने के लिए निकालते लेकिन यहां पर प्लेग्राउंड नहीं है ना पीटी सर है यहां पर ओनली 7 टीचर्स है यहां पर सिर्फ 7 सर जो हमें हमारे क्लासेस जो पढ़ाने होते हैं 9 क्लासेस जबकि 7 ही टीचर है यहां हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें एक बिल्डिंग दे और एक टॉयलेट बाथरूम जो जिसके यहां पर बहुत सारी कमी है और एक फिजिकल टीचर मेरा नाम स्नोबर बिलाल है मैं 8th क्लास में पढ़ती हूं हमारी प्रॉब्लम्स यहां की एक है हमें यहां बिल्डिंग भी नहीं है और प्लेग्राउंड भी नहीं है और ना वॉशरूम है गवर्नमेंट बहुत भाषण गवर्नमेंट बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं यही भाषण दे रहे हैं हमें खुले आम जाना बाहर निकलना पड़ता है और यहां हम एक रूम में 3-3 क्लासेस है टीचर हमें बहुत अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है